गायत्री पदकुंगवाम हेम दीन आज्वानी पदकुंगवाम हे वसो महामजानी गर्भधमात्मजासी गर्भगम्य गंगणपति नमः स्वाहा ओम गंगणपति नमः स्वाहा ओम विष्णुरहते ओम श्री विष्णु नमः स्वाहा ओम श्री ते लक्ष्मी पतन्ने हवरात्रे पारस्वामी लक्ष्मण भवानी शब्दलोकम जानम भवानी महाजानम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम नमः तुम भवाय ते मयि भवाय ते नमः नमः कराय ते शिव कराय ते तुम भवाय ते शिवाय नमः स्वाहा ओम देवी महादेवी महाद्रिवाय नमः स्वाहा भाय ओम महा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्त्वरेणीया भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो आज जो बुराड़ी के अंदर 11 लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा की शांति को लेकर हमने पंजाबी युवा संगठन के माध्यम से यहाँ पर एक हवन किया है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ओम शांति। मेरे भाटिया परिवार के साथ हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है। और ये जो लोग इधर तांत्रिक वगैरह पे अंधविश्वास कर लेते हैं तो ये नहीं करना चाहिए लोगों को। मेरी तरफ से निवेदन है RW की तरफ से कि ये जो जितना भी ऐसे लोग तांत्रिकों को साधुओं को इधर उधर बिठाते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, अगर ये काम हमें तो यही लग रहा है तांत्रिकों ने ही करा है ये काम। तो इनके जो रजिस्टर वगैरह वहाँ पर मिले हैं, हम तो यही कहते हैं कि जो भी हुआ है उस परिवार के लिए परमात्मा जी से हमारा निवेदन है कि इनकी आत्मा को शांति दे के अपने चरणों में शांत बख्शे और परिवार को सुख सहने के लिए। गुरुद्वारा साहब सुनाया गरीब के चेयरमैन, ये जो भाटिया परिवार के साथ 11 आदमियों का जो शुरुआत हुआ है, इसमें मेरी सभी देशवासियों से विनती है कि जो इस तरह से पखंडी लोग साधु संत जो लोगों घर में आकर के इस तरह प्रोग्राम करते हैं, अगर ये सही बात है कि वाकई ये किसी दूसरे लोगों ने या ऐसे जो साधु संतों ने को काम किया है तो तांत्रिक लोगों ने, तो मैं सरकार से पुलिस से विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों को पकड़ के अगर सही मायनों में इन्होंने काम किया है तो उनको फांसी की सजा से सिवा कोई नीचे काम किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा काम हुआ है जो देश के अंदर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इतने परिवार के लोग एक साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा।